एक मैच में ठोक दिया 358 रन, टीम इंडिया को मिल गया नया चेतेश्वर पुजारा, जो कि एक मैच में ठोक दिए 358, इतना रन बनाने के बावजूद इंडिया मौका नहीं मिल रहा है। आप लोग भी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईरानी टॉपिक चल रहा था, कल मैच खत्म हो गया। कोटक इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग से, बॉलिंग से, फील्डिंग से यह मैच जीता और जबरदस्त जीता। मैच में एसएसबी जायसवाल ने जबरदस्त रन बनाए, शानदार रन बनाए, बहुत जबरदस्त बैटिंग किया। इतना रन बनाने के बावजूद, एक मैच में 357 रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया मौका नहीं मिला। जो युवा लड़का है, 21 ईयर्स का लड़का है, जो जबरदस्त रन बनाता है, शानदार रन बनाता है, जिस पोजीशन में चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करने आता है टीम इंडिया के लिए, उस पोजीशन में एसएसबी जायसवाल भी बैटिंग करने आते हैं, लेकिन एसएसबी जायसवाल को दूर दूर तक टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं किया जाता, उनको नहीं खिलाया जाता है, उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता। इतना रन बनाने के बावजूद आप सोच सकते हो, दोनों पारी में देखा जाए, फर्स्ट पारी में बनाए थे 213 रन, क्योंकि उसमें 30 चौवा था, तीन लंबे लंबे छक्के थे। सेकंड पारी में बनाए थे एसएसबी जायसवाल ने 144 रन। तो इतना रन बनाने के बावजूद भी, इतना जबरदस्त बैटिंग करने के बावजूद भी उनको टीम इंडिया मौका नहीं मिला, टीम इंडिया में लाया नहीं जाता, टीम इंडिया में उनको टेस्ट में उसको सेलेक्ट नहीं किया जाता है। क्योंकि एसएसबी जायसवाल ने 14 मैच में 1488 रन बनाए, उसमें 7 शतक है। तो देखिए, इतना रन बनाने के बावजूद भी मौका नहीं मिलता, सरफराज खान इतना रन बनाए तो भी मौका नहीं मिलता, उनको सेलेक्ट नहीं किया था। तो एसएसबी जायसवाल अभी 21 ईयर्स का है, इंडिया का फ्यूचर हिसाब से बैटिंग करते, शानदार बैटिंग करते, डोमेस्टिक में रन बनाए हुए हैं। ईरानी टॉपिक चल रहा था, उसमें जबरदस्त बनाए, अपना टीम को जिताया है, जिस टाइम उस टीम को जरूरत है उस टाइम खड़ा होकर रन बना के दिए। तो कहने मतलब है कि इतना रन बनाए के बावजूद भी आदमी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया, तो क्यों नहीं युवा लड़का लोग को खिलाया जाता टीम इंडिया। युवा लड़के लोग तेज रन बनाते हैं, जबरदस्त रन बनाते हैं, इंडिया का फ्यूचर है ये लोग। तो चेतेश्वर पुजारा नहीं खेलने हैं तो इनको बसाइड कर दीजिए। नंबर 3 में चेतेश्वर पुजारा बैटिंग करते हैं, नंबर 3 में एसएसबी जायसवाल भी रन बना रहे हैं। 21 साल का लड़का 15 मैच के लिए 8 शतक जड़ा, जो कि अभी तक कोई नहीं किया, इंडिया हिस्ट्री में नहीं किया, जो एसएसबी जायसवाल ने करके दिखा दिया। जो मैच खेला जा रहा था, पहले बैटिंग करते हुए रोटअप इंडिया ने बनाए थे 484 रन, जब दूसरी टीम बैटिंग करने आई थी 294 रन बना के ऑल आउट हो गई। के बाद फिर रोटअप इंडिया बैटिंग करने आए 246 रन बनाए, दूसरी टीम बैटिंग करने आई तो 198 रन में ऑल आउट हो गया, जो कि रोटअप इंडिया ने मैच जीता 238 रन से जीता। फर्स्ट पारी में एसएसबी जायसवाल ने बनाए 213 रन बनाए, दूसरा पारी में एसएसबी जायसवाल ने बनाए थे 144 रन। जो सोचिए, इतना रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया में क्यों नहीं मौका मिला, टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए। तो गाइस, आप कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।